मुरादाबाद के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने वो ऑक्सीजन प्लांट के पास एक दिल्ली नंबर की कार पिछले 6 दिनों से लावारिस हालत में खड़ी हुई है। कार के पास जिला अस्पताल की पानी की टंकी, मंदिर, बिजली घर के साथ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई देने वाला प्लांट भी मौजूद है। मंदिर के पुजारी व जिला अस्पताल के अन्य स्टाफ ने लावारिस हालत में खड़ी इस कार की सूचना जिला अस्पताल के कंट्रोल रूम में इमरजेंसी ड्यूटी पर बैठे जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को देते हुए इसकी सूचना थाना सिविल लाइन्स भेजे जाने को भी कहा है, लेकिन कार अपनी जगह से हिली तक नहीं है। लोगों व जिला अस्पताल के स्टाफ में इस कार को लेकर अजीब किस्म का डर भी बना हुआ है। स्टाफ का कहना है कि ये कार कोई स्टाफ वाला यहाँ खड़ी नहीं कर सकता है। सभी के घरों के सामने कार पार्किंग के लिए काफी जगह मौजूद है। ये कार कोई बाहरी व्यक्ति खड़ी कर कहीं चला गया है, ऐसा लोगों का कहना है।